स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हम इधर कुछ बुक से प्रिपरेशन अपना जारी किए हैं। 3 से 4 बुक से अभी इसका पीडीएफ रेडी था, तो मैंने इसे ही कराया। आप सब में से बहुत से लोगों ने किसी दूसरे बुक का बोल रहे हैं, मैम उसका करा दीजिए। तो एक साथ इतने सारे पीडीएफ रेडी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और टाइम का भी थोड़ा सा कमी रहता है, क्योंकि पीडीएफ रेडी करने में ज़्यादा टाइम लगता है, और हैंडमेड नोट्स भी कहीं ना कहीं अभी रखे पड़े हैं पीडीएफ के कारण ही। तो जैसे ही सारे ये सब रेडी हो जाते हैं, तो आप सबको उससे पीडीएफ या फिर वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो हम आते हैं आज अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, स्वास्थ्य। आप में से बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैम ये इजी है, तो एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं जिसका हम सॉल्व करना थोड़े से वो क्या होता है ना, इजी और हार्ड दो जगह ही लोग फंसते हैं, बीच वाले में तो लोग फंसते नहीं है ना, तो इसीलिए यहीं पे आयोग फंसाने की कोशिश करता है। तो ईजी भी आप देखिए और हार्ड क्वेश्चन भी आपके लिए लाया जा चुका है, और आगे जो है वो भी लाया जाएगा। और कुछ लोगों ने आप में से यूथ के क्वेश्चन बोले थे कि मैम कराइए यूथ का, तो उसका बुक भी मेरे पास अवेलेबल है। उसके भी बुक से चुने हुए क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, सारे क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, बट जो चुने हुए क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होंगे वो कराए जाएंगे। तो आइए हम आते हैं आज के अपने पॉइंट पे, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है स्व अवस्था, अर्थात मानव का सहज एवं स्वाभाविक अवस्था। स्वास्थ्य केवल रोग से मुक्ति ही नहीं, वरन शरीर का मानसिक एवं संवेगात्मक रूप में भी स्वस्थ होना है। व्यक्ति स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, नियमबद्धता, उचित पोषण, रोगों से मुक्त रहना, व्यायाम करना, विश्राम तथा नींद, मादक वस्तुओं से बचाव, शारीरिक स्वच्छता आदि है। नेक्स्ट है कि शारीरिक स्वच्छता की आदत बच्चों में प्रारंभ से डालनी चाहिए, जैसे त्वचा की स्वच्छता, मुंह और दांतों की सफाई, नियमित समय पर सोने व उठने की आदत, नियमित शौच जाना, बालों, नाक, कान व नाखूनों की सफाई, वस्त्रों की सफाई तथा योगासन आदि है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर मेरे किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। दो लिंक है, एक है एएस कोचिंग सेंटर और दूसरा है एएस कोचिंग सेंटर पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको पीडीएफ दिए जाते हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं कि मैम पीडीएफ दीजिए, तो आप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहीं पर शेयर किया जाता है, पर्सनली शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम आते हैं यहाँ पे, उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को उचित नींद व विश्राम भी लेना चाहिए। विषैली दवाइयों व मादक पदार्थों के प्रयोग से बचना चाहिए, जैसे कि शराब, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, भांग, अफीम। स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, और ये इम्पॉर्टेंट है, शरीर केवल रोग एवं दुर्बलता से मुक्त न हो, बल्कि वही शरीर स्वस्थ होगा जिसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो, साथ ही सामाजिक रूप से वह एक कुशल व्यक्ति हो। व्यक्ति स्वास्थ्य के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा रखना भी हमारा कर्तव्य है। आज हम स्वास्थ्य के चैप्टर पढ़ रहे हैं और मेरे स्वास्थ्य ऑलरेडी खराब है। आइए हम नेक्स्ट पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन या फिर उपरोक्त छवि। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उपरोक्त छवि, उत्तम पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। आलसी व निष्क्रिय, क्रियाशील एवं स्वस्थ, आलसी व स्वस्थ, निष्क्रिय एवं स्वस्थ। तो स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को क्रियाशील एवं स्वस्थ बनाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, व्यायाम करने के बाद काम में लग जाना चाहिए, थोड़ी देर आराम करना चाहिए, तुरंत सो जाना चाहिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यायाम करने के बाद थोड़ी देर आराम करना चाहिए, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? तो हल्का, कठोर, मध्यम प्रकृति के या फिर नियमित। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है, मोतियाबिंद, काला पानी, भेंगापन या फिर दूरदर्शिता। तो बढ़ती उम्र के साथ आंखों में मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो धूप से मनुष्य को विटामिन डी प्राप्त होता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है डिप्थीरिया, रिकेट्स, हैजा या फिर तपेदिक। तो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है चमकीले बाल, दृढ़ मांसपेशी, गुलाबी गाल या फिर गुलाबी होठ। तो अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है दृढ़ मांसपेशियां, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन या फिर थीन। तो तंबाकू में हानिकारक रसायन कौन सा होता है, तो निकोटीन। नेक्स्ट है, जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए प्रतिदिन, कभी कभी, सप्ताह में एक दिन या फिर तीसरे दिन। तो जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए प्रतिदिन, जाड़े या फिर गर्मी हर मौसम में स्नान प्रतिदिन करना चाहिए। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो शरीर के रक्त को शुद्ध करती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए बचना चाहिए स्नान से, नशा से, भोजन से या फिर व्यायाम से। तो स्वस्थ रहने के लिए नशा से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम से हमें क्या बन सकते हैं, आलसी व निष्क्रिय, क्रियाशील एवं स्वस्थ, आलसी एवं स्वस्थ एवं निष्क्रिय एवं स्वस्थ। तो व्यायाम से हम क्रियाशील एवं स्वस्थ बन सकते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है, तो दूध, मधु, मांस मछली या फिर संतुलित आहार। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार जरूरी है, ऑप्शन डी सही होगा। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, मालिश करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए या फिर शयन करना चाहिए। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात को भोजन करने के कितने घंटे बाद सोना चाहिए, तुरंत, 2-3 घंटे बाद, कम से कम 8 घंटे बाद या फिर नहीं सोना चाहिए। तो रात को भोजन करने के 2-3 घंटे बाद हमें सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को कैसे कपड़े पहनते हैं, चुस्त, ढीले, गीले या फिर ऊनी। तो रात को हमें ढीले कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है, तो स्वस्थ व्यक्ति आकर्षक दिखता है, मोटा होता है, निरोग होता है, पीला होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति कैसा दिखता है, स्वस्थ व्यक्ति निरोग होता है। धूले एवं साफ कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गंदे कपड़े से सुगंध आती है, प्रदूषण होता है, त्वचा रोग होता है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो त्वचा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूम्रपान से किस रोग को बढ़ने की संभावना होती है, धूम्रपान से किस रोग को बढ़ने की संभावना होती है। तो अतिसार, कैंसर, बुखार या फिर टिटनेस। तो धूम्रपान से कैंसर रोग होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा एक अच्छी क्रिया है क्योंकि वह शरीर को स्वस्थ बनाती है, थकावट को दूर करती है, शरीर को क्रियाशील बनाती है या फिर स्वभाव को श्रेष्ठ बनाती है। तो निद्रा एक अच्छी क्रिया है क्योंकि यह थकावट को दूर करती है, ऑप्शन बी सही होगा। तंबाकू के सेवन से निम्न रोग होता है, फेफड़े का कैंसर, मियादी बुखार, मधुमेह या फिर कोई भी नहीं। तो तंबाकू के सेवन से फेफड़े का कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में कुल भाग कितने प्रतिशत जल रहता है, 55%, 65%, 50%, 85% या फिर 70%। तो हमारे शरीर के कुल भाग का 65% जल रहता है, ऑप्शन ए सही होगा। बालों को निम्न से धोना उत्तम होता है, आंवला रीठा के शैम्पू से, कपड़े धोने के साबुन से, बेसन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बालों को आंवला रीठा शैम्पू से धोना उत्तम रहता है, ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं स्थानीय स्वास्थ्य एवं संस्थाओं पे। तो स्थानीय स्वास्थ्य एवं संस्थाएं, स्वास्थ्य का अर्थ है पूर्ण
शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण से किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य को जन स्वास्थ्य कहते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार गृहिणी ही बहुत सीमा तक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, अर्थात गृहिणी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य सेवाएं सरकार तथा निजी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रदान की जाने वाली संस्थाएं सेवाएं निम्नवत हैं। स्थानीय स्तर पर, तो स्थानीय स्तर पर देखते हैं, राजकीय जनपद चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बाल स्वास्थ्य केंद्र, चलते फिरते चिकित्सालय, परिवार नियोजन केंद्र, अन्य संस्थाएं, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जच्चा बच्चा रक्षा केंद्र, निरीक्षण केंद्र, शिशु रक्षक मेला एवं आदि। स्वयंसेवी संगठन में है रेड क्रॉस सोसाइटी, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस, भारतीय शिशु कल्याण परिषद, भारतीय महिला समाज, मातृ सेवा संघ, महिला संगठन हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, भारतीय क्षय रोग क्षमता, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, माता कस्तूरबा स्मारक निधि, भारतीय परिवार नियोजन संस्था एवं रक्त बैंक इत्यादि। यह सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं जन स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में संलग्न है ताकि भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य उत्तम हो सके। कुछ कार्यक्रम जिन्हें केंद्रीय सरकार अथवा कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था आर्थिक सहायता प्रदान करती है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र, राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम इत्यादि। अब हम आते हैं इसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं। आज मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी आपकी मोटिवेशन का ये नतीजा है कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। मात्र 2 से 2.5 महीने में आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं 420 सब्सक्राइबर के साथ अभी अवेलेबल हूँ, और आप सबके सपोर्ट से बहुत जल्द 1000 भी हो जाऊंगी। तो थैंक्स आप सबको इसके लिए। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है प्रथम चिकित्सा अधिकारी, द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, तृतीय चिकित्सा अधिकारी, या फिर चिकित्सा निरीक्षक। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है प्रथम चिकित्सा अधिकारी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। परिवार नियोजन प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक है परिवार की कुशलता के लिए, परिवार को छोटा एवं सीमित रखने के लिए। परिवार में बच्चों के स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को सरलता से पूरा करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे सभी ही पॉजिटिव वे में है, तो उपरोक्त सभी के लिए आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ग्राम में, ग्राम तथा नगर दोनों में, केवल सदर अस्पतालों में। तो परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं कहाँ किए गए हैं, तो ग्राम एवं नगर दोनों में। देहात की स्त्रियों को परिवार नियोजन के लिए कौन समझाता है? देहात से यहाँ ये कहा गया है ग्रामीण क्षेत्र की। बहुत से लोगों को देहात सब समझ में नहीं आएगा, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्रियों को परिवार नियोजन के लिए कौन समझाता है? गाँव का स्वास्थ्य रक्षक, चिकित्सा अधिकारी, महिला कार्यकर्ता एवं ग्राम प्रधान। तो देहात की स्त्रियों को परिवार नियोजन के लिए कौन समझाता है? तो वो है महिला कार्यकर्ता, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मातृ कल्याण सेवा केंद्र कार्य होते हैं माता और शिशुओं की देखभाल, केवल महिलाओं की देखभाल, केवल शिशुओं की देखभाल, उपयुक्त सभी। तो
यहाँ पे हो जाएंगे मातृ कल्याण शिशु कल्याण मातृ कल्याण सेवा केंद्र कार्यरत होते हैं, ऑप्शन ए ही इसका सही होगा, इसलिए मैंने पेजेस चेंज नहीं किए। माता और शिशुओं की देखभाल, नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने जो ऑप्शन बोले आप यहाँ पे देख सकते हैं, केवल महिलाओं और केवल शिशुओं का नहीं होगा, दोनों का होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO प्रबंध करता है विश्व जनसंख्या की सुरक्षा प्रशिक्षण का, निरोग व्यक्तियों का, माता और शिशुओं का। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है, किसका प्रबंध करता है, तो विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का, ऑप्शन ए सही होगा। इस बार क्या क्या था, टीजीटी में शायद, हाँ इस बार टीजीटी में ऐसे यही क्वेश्चन था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में। तो इसमें तीन ऐसे, दो ऐसे दिए थे जो शायद लग रहा था कि होगा, ये भी दे दिया था और इसके साथ दो और ऑप्शन दिए थे, एक और एक ऑप्शन में ये निरोग व्यक्ति दे दिया था और नीचे दे दिया था उपरोक्त सभी। तो ये ऊपर के पढ़ के सभी को लग रहा था उपरोक्त सभी होगा, सबने लगा दिया, लेकिन निरोग व्यक्तियों के लिए क्यों करेगा भाई, विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रबंध करता है। नेक्स्ट करते हैं, एक सामुदायिक विकास खंड कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है। तो एक सामुदायिक विकास खंड कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है, 5,000, 10,000, 1,00,000 या फिर 1,000। तो एक सामुदायिक विकास खंड कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है, तो 10,000, ऑप्शन बी सही होगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव के लोगों में पहली बार मिलते हैं, केंद्र में, अपने घर में, लोगों के घर में या फिर सड़क पे। तो केंद्र स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव के लोगों से पहली बार कब मिलते हैं, तो लोगों के घरों में, उनके घर जा जा के मिलते हैं। नेक्स्ट है, प्रभारी अधिकारी होता है, नेक्स्ट है कि प्रभारी अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर में, जिले में या फिर गांव में। तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, चलती फिरती डिस्पेंसरी का कार्य होता है मच्छर मार दवा का छिड़काव, प्रदूषण को रोकना, मरीजों को दवा का वितरण करना, ग्रामीण को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो चलती फिरती डिस्पेंसरी का कार्य होता है मरीजों को दवा का वितरण करना, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की उन्नति एवं औन्नति की औन्नति वहाँ के निम्न पर निर्भर करती है, वातावरण, स्वच्छता, नागरिकों के स्वास्थ्य एवं इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र की उन्नति व औन्नति वहाँ के निम्न पर निर्भर करती है, तो वहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिवार नियोजन संस्था का संगठन कब हुआ था, 1959 में, 1951 में, 1961 में या फिर 1964 में। तो भारतीय परिवार नियोजन संस्था के गठन सन 1951 में हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस सन में हुई थी, 1920 में, 1925 में या फिर 1940 में या फिर 1910 में। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जिला स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रमुख निम्न होता है। तो राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रमुख उप चिकित्सक अधिकारी, स्थानीय चिकित्सक अधिकारी, मुख्य चिकित्सक अधिकारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है, तो जिला स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक नगर में, गांव में, कस्बे में या फिर जिले में। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा प्रत्येक कस्बे में होती है। नेक्स्ट है,
जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? परिवार नियोजन, जन कल्याण, औषधि वितरण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ऑप्शन ए सही है। मलेरिया निवारण योजना का जिला स्तर पर जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है? तो जिला मलेरिया अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला न्यायाधीश, या फिर जिला अधिकारी। तो मलेरिया निवारण योजना का जिला स्तर पर जिम्मेदार व्यक्ति होता है जिला मलेरिया अधिकारी, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल, उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो वो होते हैं प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, ऑप्शन बी सही होगा। चिकित्सालयों में रोगियों की देखरेख कौन करता है? नर्स, चपरासी, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी कौन करता है? तो चिकित्सालयों में रोगियों की देखरेख नर्स करती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने चिकित्सक अधिकारी होते हैं? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने चिकित्सक अधिकारी होते हैं? तो वो होते हैं 3, ऑप्शन सी सही होगा। आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वीडियो लगता है आज थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि आज एक से ज़्यादा लिए गए हैं। अब है शुद्ध वायु के बारे में। वायु हमारे जीवन का आधार होता है। वायु कई गैसों का मिश्रण होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाष्पीय जल, अन्य गैसें जैसे कि ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आदि। वायु प्राणदानी है। यह मनुष्य के लिए श्वसन क्रिया तथा शरीर का ताप सामान्य रखने के लिए आवश्यक है। वायु कई कारणों से अशुद्ध हो जाती है, जैसे कि श्वसन क्रिया द्वारा, ज्वलन क्रिया द्वारा, धूल तथा जीवाणु द्वारा। वायु शुद्ध करने के उपाय हैं पेड़ पौधे लगाना, वायु का चलामयन होना, ओजोन, गर्म वायु, आंधी, वर्षा, सूर्य की किरणें इत्यादि। नेक्स्ट है शनवातन। घर में शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन ही शनवातन कहलाता है। शनवातन के सिद्धांत 3 हैं, संयन, वायु क्रिया एवं विसरण। शनवातन के 2 साधन हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक साधन दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, दरवाजे और चिमनी है। कृत्रिम साधन है वैक्यूम शनवातन, प्लीनम संसाधन, संतुलित या फिर मिश्रित साधन। दूषित शनवातन से श्वसन रोग, जुकाम, निमोनिया, दम घुटना, जी मचलाना, सिर दर्द आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कई कारणों से दूषित हो जाता है, जिसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के उपाय हैं वृक्षारोपण, वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच करवाना, उद्योगों को निवास स्थान से दूर स्थापित करना, रहने का स्थान खुले व मुख्य मार्गों से दूर होना, ईंधन, स्वच्छ ईंधन का प्रयोग, पशुओं को निवास स्थान से थोड़ा दूर रखें, पार्क आदि का निर्माण अवश्य हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने महत्वपूर्ण बिंदु देख लिया शुद्ध वायु से। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? 78%, 0.03%, 20.93% या फिर 80%। तो वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? तो वायु में ऑक्सीजन 20.93% होती है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होता है? 21%, 0.03%, 3% या फिर 30%। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है।
नेक्स्ट देखते हैं, वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुओं के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त शुद्धिकरण के लिए कौन सी गैस उपयोगी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सभी। तो रक्त के शुद्धिकरण के लिए ऑक्सीजन गैस उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य सामान्यतः एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 10 से 12 बार, 12 से 15 बार, 12 से 18 बार या फिर 15 से 20 बार। तो मनुष्य सामान्यतः एक मिनट में 12 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ी जाती है, उपयुक्त दोनों क्रियाएं होती हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्वसन क्रिया में क्या किया जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। अच्छी संवातन व्यवस्था है, तो अच्छी संवातन व्यवस्था क्या है? क्रॉस वेंटिलेशनल व्यवस्था, कमरे के छत में चिमनी की व्यवस्था, पंखे अथवा कूलर द्वारा, कमरे में खिड़की और रोशनदान बनाकर। तो अच्छी संवातन व्यवस्था है तो वो है क्रॉस वेंटिलेशन व्यवस्था करके, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वायु दूषित होती है श्वसन क्रिया द्वारा, जैविक पदार्थों के विघटन द्वारा, जलने की क्रिया द्वारा या फिर उपयुक्त छवि द्वारा। तो वायु दूषित होती है उपयुक्त छवि के द्वारा, श्वसन क्रिया द्वारा, जैविक पदार्थों के विघटन द्वारा एवं जलने की क्रिया द्वारा। ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन एवं हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करने वाली गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सही होगा। वायु एक मिश्रण है, एक यौगिक है, तत्व है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायु एक मिश्रण होता है, ऑप्शन ए सही है। वायु में प्रमुख भाग एक निष्क्रिय गैस का होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। तो वायु में प्रमुख भाग एक निष्क्रिय गैस का होता है, वो कौन सा है? तो वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर में वायु की ऑक्सीजन सोखने के लिए एक पदार्थ होता है, इसका नाम क्या है? लाल रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर में वायु कि ऑक्सीजन सोखने के लिए एक पदार्थ होता है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण होता है वाहनों से, लाउडस्पीकर से, टेलीविजन से, उपयुक्त छवि से। तो ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो लाउडस्पीकर से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, घर में शुद्ध वायु का प्रवेश और अशुद्ध वायु का निष्कासन क्या कहलाता है? तो घर में शुद्ध वायु का प्रवेश और अशुद्ध वायु का निष्कासन संवातन कहलाता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण को प्रदूषित करने का प्रमुख कारण है, जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, कल कारखाने, इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण को प्रदूषित करने का प्रमुख कारण है जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के बिना हम 2-4 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते। तो किस वस्तु के बिना हम 2-4 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं? तो वो है वायु, जल, सूर्य का प्रकाश या फिर मिट्टी। तो किस वस्तु के बिना हम 2-4 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं? तो वो है जल। नेक्स्ट है, शुद्ध वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो शुद्ध वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? 20.90%, 60%, 70% या फिर 79%। तो शुद्ध वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 79% होती है।
दूषित वायु को शुद्ध होने का सबसे प्रमुख साधन है वायु विसर्जन, धूप, वर्षा एवं पेड़ पौधे। तो दूषित वायु को शुद्ध होने का सबसे प्रमुख साधन है पेड़ पौधे, ऑप्शन डी सही होगा। वायु का सक्रिय भाग कितना है, 1/5 होता है या फिर 2/5, 2/3 या फिर 3/5। तो वायु का सक्रिय भाग 1/5 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रोशनदान छतों के पास क्यों रखा जाता है, हवा आ सके, चांद देखने के लिए, गर्म अशुद्ध हवा बाहर निकल सके या फिर व्यर्थ के लिए। तो वायु रोशनदान छतों के पास इसलिए रखा जाता है कि अशुद्ध वायु बाहर निकल सके। वायु की किस गैस से खून शुद्ध होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु की किस गैस से खून शुद्ध होता है, वो है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सही होगा। बंद घर में लकड़ी और लालटेन जलाने से किस गैस की वृद्धि होती है, तो बंद घर में लकड़ी और लालटेन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है अशुद्ध वायु, अभी हमने शुद्ध वायु देखा, अब हम अशुद्ध वायु के बारे में देखेंगे। अशुद्ध वायु रोग के जीवाणु रहते हैं, ये हमारे शरीर में गुणात्मक रूप से वृद्धि करते हैं तथा रक्त में विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करके रोग के लक्षण प्रकट करते हैं। संक्रामक रोग इन माध्यमों से फैलते हैं, श्वास द्वारा, वस्तुओं के सड़ने से, धूल कणों से, औद्योगिक वायु द्वारा। अशुद्ध वायु द्वारा फैलने वाले रोग निम्न हैं, वो है डिप्थीरिया, छोटी माता, खसरा, कर्णफेर, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा और तपेदिक। तपेदिक या टीवी रोग वह क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के जीवाणु को ट्यूबरक्लोसिस वेलिसस कहते हैं। इसके बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। चिकन पॉक्स या छोटी माता या डर्मोट्रॉपिक वायरस के द्वारा फैलती है। यह रोग वायरस के रोगी के सीधे संपर्क, थूक, छींक, कपड़ा तथा वस्त्रों से फैलता है। खसरा यह भी डर्मोट्रॉपिक वायरस से फैलता है। इसमें भी छोटी माता की तरह पूरे शरीर पर दाने फैल जाते हैं। इसका संक्रमण इन दानों के खुरटों में ही पाया जाता है। काली खांसी यह मुख्य रूप से छोटे बच्चों को होने वाला रोग है। होमोफीटस पर्टुसिस वेसिलस नामक जीवाणु से यह रोग होता है। इसे कुकुर खांसी भी कहते हैं। इसमें खांसने के बाद ऊफ की कप आती है। नेक्स्ट है कर्णफेर। इसके जीवाणु कान के नीचे के आगे स्थित गिल्टियों को प्रभावित करते हैं। इससे पाचन नली में विशेषकर लाल ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। यह रोग मुख्य रूप से 10 वर्ष तक के बच्चों को होता है। इस रोग के रोगाणु मक्खियों, दूध या इस रोग से पीड़ित बच्चों के नाक व कान से निकले स्राव, जो कि वायु में बूंदों के रूप में रहते हैं, से फैलता है। इसका रोगाणु श्वास की नली व गले पर प्रभाव डालता है। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, तो वायु की अशुद्धि का वैज्ञानिक कारण क्या है। वायु में उपस्थित भौतिक कारणों में परिवर्तन, वायु में उपस्थित पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ या फिर उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त दोनों। वायु में उपस्थित भौतिक कारणों में परिवर्तन, वायु में उपस्थित पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वायु द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग है। तो निम्नलिखित में से वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, तपेदिक, हैजा, फ्लैग या फिर पेचिश। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग है तपेदिक, ऑप्शन ए सही होगा। तपेदिक टीवी रोग होता है जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या फिर कीटाणु से। तो तपेदिक रोग होता है जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि VCG का टीका लगाया जाता है चेचक से बचने के लिए, तपेदिक से बचने के लिए, डिप्थीरिया से बचने के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, तपेदिक से बचने के लिए। संक्रमण के समय रोग के लक्षण प्रकट होने तक लगने वाला समय कहलाता है। तो संक्रमण के समय रोग के लक्षण प्रकट होने तक लगने वाला समय कहलाता है संप्राप्ति काल। ऑप्शन ए सही होगा। जुकाम, छींक, खांसी तथा ज्वर के लक्षण होते हैं चेचक के, इन्फ्लुएंजा के, डिफ्थीरिया के, या फिर तपेदिक के। तो इन्फ्लुएंजा के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहते हैं, तपेदिक को, डिप्थीरिया को, या फिर चेचक को, या फिर निमोनिया को। तो मृत्यु का कप्तान तपेदिक को कहते हैं। ऑप्शन एक सही होगा। कमजोरी दूर करने के लिए पिलाया जाता है चाय, ग्लूकोज, कॉफ़ी, या फिर शरबत। तो कमजोरी दूर करने के लिए ग्लूकोज पिलाया जाता है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य के लिए किस वायु की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ओजोन। तो स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, किस रोग के जीवाणु कान के नीचे व आगे स्थित गिल्टियों को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, कर्णफेर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने मुख्य बिंदु में देखा था कर्णफेर के जीवाणु कान के नीचे व आगे स्थित गिल्टियों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेचक के विषाणु का नाम क्या है, एंटी अमीबा हिस्टोलिका, वेरियोला वायरस, विब्रियो कोलेटी, या फिर शॉलमेनो टाइफोइडिश। तो क्या नाम है चेचक के विषाणु का, तो चेचक के विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस। नेक्स्ट देखते हैं, चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है, तो रॉबर्ट कोट, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चेचक के टीके का आविष्कारक है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राणवायु निम्नलिखित में से कौन सा है, तो प्राणवायु निम्नलिखित में से ऑक्सीजन है, यह हमने इसे पहले भी कर लिया था। नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट और आज का ये लास्ट टॉपिक है। अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगा इससे आगे के टॉपिक पे आएगा। वस्त्रों के तंतु। वस्त्र हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। हमारे अनेक कार्यों में उपयोगी है, जैसे कि शरीर की रक्षा, घर को सजाना, संवारना, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाना इत्यादि। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई तंतु है। तंतु का वर्गीकरण निम्न है, हम देख लेते हैं। तंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। अब हम पहले प्राकृतिक को देख लेते हैं। प्राकृतिक को तीन भागों में बांटा गया, वनस्पति जगत, जनत्व जगत एवं खनिज जगत। वनस्पति जगत से हमें प्राप्त होता है कपास, लीलन एवं जूट। जनत्व जगत से ऊन एवं रेशम, और खनिज जगत का है सोना, चांदी और एस्बेस्टस। इसमें कापोक भी है और भी जैसे तंतु हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अधिकतर होता है, इसलिए इसके बारे में दिया गया। यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ अब हम कृत्रिम जगत में देख लेते हैं। कृत्रिम जगत में होता है मानव निर्मित एवं रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित। मानव निर्मित पहला रेशा रेयन, नायलॉन, ऑर्लॉन, डेक्रॉन और एक्रिलिन। रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित रेशा है नायलॉन, ऑर्लॉन, डेक्रॉन और एक्रिलिन। अभी हम यहाँ देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतिक रेशे विशेषकर गर्मियों के मौसम के लिए उत्तम रहते हैं। प्राकृतिक जनत्व प्रोटीन रेशे कहलाते हैं। प्राकृतिक खनिज तंतु अज्वलनशील होते हैं। मानव निर्मित रेयन को नकली रेशम भी कहते हैं। वस्त्रों को धागे, बुनाई, नीटिंग, परिष्कृत व परिसज्जा के प्रकार के अनुसार भी वर्गीकृत किया जाता है। वस्त्र को परिधान के अतिरिक्त हम अपने दैनिक जीवन में अनेक रूपों में उपयोग करते हैं।
प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग किस्म के वस्त्रों का चयन करना पड़ता है। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त तंतु है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त तंतु है नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन या फिर खादी। तो अभी हमने इससे पहले देखा कि ये सब रासायनिक है और खादी जोन है प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु के लिए अच्छा वस्त्र होता है सूती, लीलन, टेरिलिन या फिर रेशमी वस्त्र। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए अच्छा वस्त्र होता है सूती, कॉटन, कपास के रेशे से बने वस्त्र। ऊनी वस्त्र सर्दियों में पहनते हैं क्योंकि ये सर्दियों में अच्छे लगती हैं, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये बाहरी हवा को भीतर प्रवेश नहीं करने देते, इनमें गर्मी पैदा करने की क्षमता होती है। तो ऊनी वस्त्र सर्दियों में पहनते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं सही है बट उपरोक्त सभी नहीं दिया हुआ है और इसमें सबसे बेस्ट आंसर यही होगा, इसलिए इसको सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक प्रकार के वस्त्र का तंतु एक कीट से प्राप्त होता है, तो वो कौन है, सूती वस्त्र, लीलन वस्त्र, टेरिकॉट वस्त्र या फिर रेशमी वस्त्र। तो कौन से रेशे कीट से प्राप्त होता है, तो वो है रेशमी वस्त्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तंतु पर आग का प्रभाव नहीं पड़ता, वानस्पतिक तंतु, जानत्व तंतु, कृत्रिम तंतु या फिर खनिज तंतु। तो ऑप्शन बी सही होगा, खनिज तंतु। अग्निरोधी वस्त्र बनाए जाते हैं लीलन से, एस्वेस्टस से, नायलॉन से या फिर रेयॉन से। तो अग्निरोधी वस्त्र बनाए जाते हैं एस्वेस्टस रेशे से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कास्टिक सोडा के प्रयोग से ऊनी वस्त्र साफ हो जाते हैं, चमक उठते हैं, फैल जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो कास्टिक सोडा से के प्रयोग से ऊनी वस्त्र फैल जाते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। उत्तम कोटि की ऊन प्राप्त होती है साधारण भेड़ से, ऊंट से, मेरिनो भेड़ से या फिर इन सभी से। तो उत्तम कोटि के ऊन प्राप्त होती है मेरिनो भेड़ से। नेक्स्ट देखते हैं, अर्ध प्राकृतिक तंतु है, तो अर्ध प्राकृतिक तंतु कौन सा है, सूती, रेयॉन, ऊनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अर्ध प्राकृतिक तंतु है रेयॉन, ये 50% सेलुलोज से और 50% रसायन से बना होता है, इसलिए इसे अर्ध प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रेशम के तंतु कैसे प्राप्त किए जाते हैं, भेड़ द्वारा, वनस्पति द्वारा, रेशम कीट द्वारा या फिर चट्टानों द्वारा। तो रेशम कीट के द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। रेशम कीड़ा किसकी पत्तियों पर पाला जाता है, तो रेशम का कीड़ा आम, पीपल, रबर या शहतूत। तो रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तियों पर पाला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊनी वस्त्र सर्दियों में पहने जाते हैं क्योंकि वे, अभी शायद हमने ये क्वेश्चन कर लिया था इससे रिलेटेड, क्योंकि वो अच्छे होते हैं, उसमें के चालक होते हैं, गर्मी पैदा करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्र सर्दियों में पहने जाते हैं क्योंकि ये गर्मी पैदा करते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दैनिक उपयोग के लिए आधुनिक सुविधाजनक वस्त्र होते हैं। तो दैनिक उपयोग के लिए आधुनिक सुविधाजनक वस्त्र होते हैं, वो होते हैं सूती वस्त्र, सूती के वस्त्र। नायलॉन के तंतु किससे निर्मित किए जाते हैं, जल, कोयला एवं वायु के संयोग से, जल एवं वायु के संयोग से, जल एवं बांस के संयोग से, कोयला एवं लोहा के संयोग से। तो नायलॉन के तंतु निर्मित किए जाते हैं जल, कोयला एवं वायु के संयोग से। नेक्स्ट है, अधिकांश भारतीय सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, वे अत्यंत निर्धन होते हैं, वे गरीब रेखा के नीचे होते हैं, यहाँ का वातावरण सूती वस्त्र के अनुरूप होता है और ये महंगे होते हैं। तो ये यहाँ का वातावरण सूती वस्त्र के अनुरूप होता है, ऑप्शन सी सही होगा।
सेंफोराइज शब्द का अर्थ है सूती वस्त्र, ऐसे सूती वस्त्र जो अब सिकुड़ेगा नहीं। इन वस्त्रों में कलफ देने की आवश्यकता नहीं, यह सफेद वस्त्रों को चमकदार करने की विधि है। तो सेंफोराइजिंग शब्द का अर्थ होता है कि ऐसे सूती वस्त्र जो कि अब सिकुड़ेगा नहीं। ऑप्शन सी बी सही है। ऊन किससे प्राप्त होता है, बकरी से, भेड़ से, गायों से या फिर शेरों से? तो ऊन भेड़ों से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी सही होगा। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।